गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 तक किए, आज हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 12 का। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1-2, 0 2-1, 3, 0-2, 1, ये मैट्रिक्स ए है हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स, इसका मतलब आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, तो इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। ओके, तथा निम्नलिखित रेखीय समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसके अंदर दो पार्ट पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर दो वैल्यू पूछ रहा है, एक तो मैट्रिक्स ए है और इसके लिए हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है, दूसरा इसी के अंदर पार्ट है हमारे पास, तथा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण निकाय हमारे पास क्या है? रैखिक समीकरण निकाय पहला है x-2y = 10, दूसरा है 2x+y+3z = 8, तीसरा है -2y+z = 7। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, इस मैट्रिक्स के ए इनवर्स निकालना है और इन रेखिक समीकरण निकाय से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की, y की और z की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स से हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है उससे हम ए इनवर्स निकालते हैं, यानी उस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स की क्या निकालते हैं? सारणिक का मान निकालते हैं। तो ए का सारणिक इज इक्वल टू, इसका सारणिक निकालो, पहली पंक्ति से प्रसार किया तो 1 1+3 6+2 2-0+0 × -4 -0 इज इक्वल टू 6 और 1 कितने हो गए आपके पास? 7 और 2 × 4 7+4 एक का सारणिक इंप्लाइज, एक का सारणिक इज इक्वल टू कितना आया? 11 नॉट इक्वल 0, यानी इस आव्यूह की सारणिक का मान कितना है? 11 है, यानी इसका मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का क्या है? अस्तित्व। यदि ए की सारणिक का मान, यानी आव्यूह ए की सारणिक का मान यदि 0 आ जाता तो इस आव्यूह को हम क्या नहीं निकाल सकते? ए इनवर्स। लेकिन हमारे पास ए का सारणिक का मान कितना है? 11, इसका मतलब आव्यूह ए का ए इनवर्स क्या हुआ? संभव, यानी इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ओके, अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे? ए का सारणिक तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक। तो ए का सारणिक आ गया, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है? आव्यूह ए के प्रत्येक आव्यूह के हम क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एडजॉइंट ए। तो इन प्रत्येक आव्यूह के क्या निकालेंगे हम? सहखंड। ओके, आव्यूह ए के आव्यूहों के सहखंड निकालने पर, यानी आव्यूह ए के आव्यूह के हम क्या निकालेंगे? सहखंड। सहखंड का सूत्र क्या होता है? Fij = -1 की पावर i + j × Mij। हम कई बार निकाल चुके सहखंड। ओके, पहले हम निकाल लें अवयव एक का सहखंड, तो F11/1, यानी अवयव एक का सहखंड। 11 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो F11/1 इज इक्वल टू फॉर्मूले मान को -1 की पावर 1+1 × M11 का मतलब क्या होता है? उपसारणिक। तो M11 यानी पहले अवयव की उपसारणिक क्या होगी? पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, एक को एक से गुणा किया तो 1, माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो प्लस का 6। ओके, माइनस सॉरी ये 1 आएगा यहाँ,
आई का मान एक, जे का मान एक, तो एक प्लस एक, तो माइनस एक के ऊपर पावर कितनी होगी, दो, दो क्या आते हैं सम, इसका मतलब माइनस क्या हुआ प्लस, तो इसका मान कितना आया सात। ओके, फिर हम निकालेंगे एफ वन टू ओवर माइनस टू, अवयव माइनस दो की सेकंड इज इक्वल टू, फॉर्मूले मान रखो, माइनस वन की पावर एक प्लस दो इंटू एक दो एम वन टू, यानी अवयव माइनस दो की उपसारणिक, तो पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, दो को एक से गुणा किया तो दो, माइनस तीन को जीरो से किया तो जीरो, माइनस एक के ऊपर पावर कितनी है तीन, विषम संख्या तो बाहर क्या लगेगा माइनस, तो इसकी उपसारणिक इसका सेकंड कितना आया माइनस दो। फिर हम अवयव जीरो के निकालेंगे, तो एफ वन थ्री ओवर जीरो इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, एम वन थ्री इसका मतलब उपसारणिक, तो पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, माइनस दो को प्लस दो से गुणा किया तो माइनस का चार माइनस जीरो, माइनस एक के ऊपर पावर कितनी है तीन और एक चार, सम संख्या इसका मतलब माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन माइनस चार माइनस जीरो कितना होता है माइनस का चार। तो देखो पहली पंक्ति के अवयव की क्या निकाल ली हमने सेकंड, पहला अवयव का सेकंड सात, दूसरे का माइनस दो, और तीसरे जीरो का कितना है आपके पास माइनस का चार। इसी प्रकार हम दो का एक का तीन का जीरो माइनस दो एक, इन तीनों चार इन छह हो गए तीन ये तीन ये, इन छह अवयव के सेकंड हम इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इनके सेकंड, तो दो एक तीन जीरो माइनस दो एक, इन छह अवयव के हमने क्या निकाल लिए सेकंड। अब हम देखो क्या निकालते हैं, अवयव ए के प्रत्येक अवयव के क्या आ गए सेकंड। अब सेकंडों से बनी मैट्रिक्स, सेकंडों से बना अवयव, तो सेकंडों से बना अवयव क्या होगा एफ आई जे इज इक्वल टू एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ टू वन एफ टू टू एफ टू थ्री एफ थ्री वन एफ थ्री टू एफ थ्री थ्री इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दिया एफ वन वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास सात माइनस दो माइनस चार, तो सात माइनस दो माइनस चार, इनकी वैल्यू कितनी है दो एक दो, इनकी वैल्यू कितनी है माइनस छ माइनस तीन और पांच। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है सेकंडों से बना अवयव, अब हम एड ज्वाइंट निकाल लेंगे, तो एड ज्वाइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है एफ आई जे का ट्रांसपोज, यानी जो एफ आई जे की वैल्यू आई है उसका हम क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो कितना आएगा सात माइनस दो माइनस चार दो एक दो माइनस छ माइनस तीन पांच। ओके, ये आ गए एड ज्वाइंट ए का मान। अब ए इनवर्स का मान क्या होता है आपके पास, चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एड ज्वाइंट ए अपॉन में ए का सारणिक, इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का सारणिक का मान कितना है वन अपॉन इलेवन इंटू एड ज्वाइंट ए का मान कितना है सात दो माइनस छ माइनस दो एक माइनस तीन माइनस चार दो और पांच। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। ओके, अब ए इनवर्स का मान तो आ चुका हमारे पास, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अभी जो समीकरण निकाय दिया गया था हमें, अब उसका मान निकालना हमारे पास एक्स वाई जेड का मान, जो यहां आपके पास समीकरण निकाय इनकी वैल्यू निकाल लिए, अवयव ए से ए इनवर्स का मान तो आ चुका हमारे पास, अब इसका मान वो निकालना है। ओके, अतः रैखिक समीकरण निकाय को अवयव रूप में लिखने पर, यानी समीकरण एक दो तीन जो पीछे हमने दिया था क्वेश्चन के अंदर, उसको हम किस रूप में लिखेंगे अवयव रूप में लिखेंगे। अवयव रूप में कैसे लिखेंगे उसको हम इस टाइप से एक माइनस दो जीरो दो एक तीन जीरो माइनस दो एक
इंटू एक्स वाई चक इज इक्वल टू 10, 8, 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए का मान, मैट्रिक्स जो ए है वो होती है एक्स वाई जेड के कोफिशियंट। तो आपके पास एक्स वाई जेड के कोफिशियंट क्या है, देखो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट 1-2, या जेड का कोफिशियंट 0 है 2, 1, 3, एक्स का कोफिशियंट यहाँ 0 है तो 0-2, 1, और फिर आपके पास इंटू में एक्स क्या था, एक्स वाई जेड, और बी क्या है 10, 8, 7। ओके, तो वही कंडीशन हमने यहां लगाई है, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। यदि मैं इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करूं और इसके इक्वल करूं तो आपके पास जो रेखिक समीकरण निकाले पीछे समीकरण 1, 2, 3 वो ही मिलते हैं, यानी समीकरण 1, 2, 3 को तो हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप को समीकरण 1, 2, 3 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी समीकरण 1, 2, 3। अब आयु रूप में लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ए, इसको हम क्या लिखते हैं कैपिटल एक्स, और इसको हम क्या लिखते हैं कैपिटल बी, जहां ए इक्वल टू कितना आपके पास, ये मैट्रिक्स ए 1-2, 0, 2, 1, 3, 0-2, 1। ओके, एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास, एक्स वाई जेड, एंड बी इक्वल टू कितना आपके पास, 10, 8, 7, ये बी का मान। ओके, अब यहां देखो आपके पास वैल्यू में किसकी निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, समीकरण 4। अब मेरे पास x का मान है, x की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई जेड, b का मान कितना है, 10, 8, 7, लेकिन किसका मान नहीं है मेरे पास, a इनवर्स, a इनवर्स क्या है, आयु एक का व्युत्क्रम आयु, और a इनवर्स की वैल्यू भी मैं निकाल चुका पहले क्वेश्चन के अंदर। देखो ये जो a का मान है और शुरू में आपके पास जो क्वेश्चन में है a का मान, दोनों सेम है। देखो ये a किसका है, ये हमने a कहां से निकाला है, रेखिक समीकरण निकाय से वैल्यू आई है आयु a का मान, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो ए का मान शुरू में दिया गया वो ए का मान और इसका मान दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब मैं ए इनवर्स निकाल चुका तो मैं डायरेक्ट तीनों वैल्यू एक्स की, ए इनवर्स की और बी की वैल्यू समीकरण 4 के अंदर पुट कर दो। ओके, तो आता है एक्स का मान कितना है, एक्स वाई जेड, ओके इज इक्वल टू ए इनवर्स का मान कितना हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू है, ये रही ए इनवर्स का मान, वन अपॉन में 11, 7, 2-6, -2, 1-3, -4, 2, 5। ओके, इनटू में बी, बी का मान है 10, 8, 7। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है आपके पास, 1/11, तो बाहर की बाहर है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, यानी 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70, प्लस 8 × 16 - 42, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, माइनस का 20, प्लस का 8 - 21, तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, -40 + 16 + 36। ओके, अब इसको जोड़ दो, 1/11, 70 और 16 कितने होते हैं आपके पास, 86, 86 में हम कितना निकालेंगे, 42, कितना है आपके पास, 44, -20 और -21 कितने हो गए, -41 में से 8 के कितने बच गए, -33, 36 और 16 आपके पास कितना होता है, 46 और 6 = 52, 52 में -40 के कितने बचे आपके पास, 51 - 40 = 11। ओके, अब 1/11 जिसको हम क्या करेंगे, गुणा, 1/11 को 44 से किया तो 4 - 3 = 1, और इधर क्या है, एक्स वाई जेड। अब देखो ये तो मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है
तो उन दोनों मैट्रिक्सों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर यानी दो अवयवों की समानता से, और तुलना की हमने तो x का मान कितना आया 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी आई -3, तो y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1, तो z का मान 1। तो ये हो गया रैखिक समीकरण निकाय का हल, यानी x y z की वैल्यू। यदि ये वैल्यू मैं तीनों वैल्यू x y z का मान समीकरण 1, 2, 3 में पुट करता हूं, तो वो तीनों समीकरण है इन मानों से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब हमारे पास x y z का मान क्या है, करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है दोनों क्वेश्चन। ओके, इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15, यदि संभव त्रिभुज ए की भुजा, संभव त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा इज इक्वल टू ए तथा शीर्ष, शीर्ष हमारे पास है, शीर्ष ए इक्वल टू एक्स वन वाई वन बी ऑफ एक्स टू वाई टू सी ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री। तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 सारणिक की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 a की पावर 4। संभव त्रिभुज की भुजा है a, शीर्ष उसके दिए गए हैं 3 a b c, और सीधा हमें यह करना है कि इस सारणी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 a की पावर 4। तो हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे, तो LHS इज इक्वल टू x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 और इसकी क्या है, और इसका। ओके, अब यहां देखो मैं इस सारणिक से क्या कॉमन ले सकता हूं, सारणिक से हमारे पास कितना बाहर आ रहा है 2, सारणिक से बाहर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो सारणिक से 2 बाहर लिया मैं, लेकिन ऊपरी स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा, तो ऊपरी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू अंदर क्या बचा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इसकी क्या है, और ओके, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इक्वल टू कितना होता है 1 बाई 2 इंटू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये होता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। होता कि नहीं होता है, दो को इधर भेज दो तो दो इधर गया तो कितना आया 2 डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन। अब यहां देखो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इस किसका मान है 2 डेल्टा, यानी मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं 2 डेल्टा, किससे त्रिभुज के क्षेत्रफल से मान निकाला मैंने ये, तो इसकी जगह मैं 2 डेल्टा पुट करूंगा, तो इसकी जगह हमने 2 डेल्टा पुट किया तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई है LHS इज इक्वल टू 4 इंटू 2 डेल्टा की होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 2 की स्क्वायर कितनी आई हमारे पास 4, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा मैं 4 इंटू 4 और इंटू में क्या है डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर क्या है, डेल क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि डेल इक्वल टू क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है डेल। हमारे पास जो त्रिभुज है वो कौन सा दिया गया, हमारे पास त्रिभुज कौन सा है संभव त्रिभुज, क्वेश्चन में है ना वो कौन सा है संभव त्रिभुज, तो इसका मतलब संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल और संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर,
यानी रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी डेल्टा की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये? डेल्टा का मान। ये मान यहां पुट कर दो बेटा, तो चार गुना चार कितना होता है? सोलह। कोई दिक्कत? डेल का मान कितना है? रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, और इसकी क्या है? होल स्क्वायर इज इक्वल टू सोलह इंटू स्क्वायर, रूट थ्री की स्क्वायर कितनी आई? थ्री। इंटू ए स्क्वायर की स्क्वायर की तो एक की पावर फोर, बाई फोर की स्क्वायर सोलह, सोलह से सोलह कैंसिल, इसका मतलब कितना आया? थ्री ए की पावर फोर। और ये हमारे पास क्या है? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस रूट। ओके, क्वेश्चन नंबर पंद्रह कंप्लीट, यानी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। ये आप डायग्राम भी बना सकते हो। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, और सी के कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि त्रिभुज कौन सा है? संभव। ओके, तो आपके पास तीन शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। एल एच एस लिए हमने, दो बार कॉमन लिया तो कितना हो गया? चार। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने इस सारणी की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ओके, फिर डेल हमारे पास क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट की, इसकी स्क्वायर खोल दी, सोलह से सोलह कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास? थ्री ए की पावर फोर। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।